हेलो करुणापति जी, वेलकम टू क्वालिटी मिंग पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो 2022 की जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपका काफ़ी अच्छा रैंक आया है। जैसे कि आपका, हमने सुना है कि आपका फोर्थ रैंक था ओवरऑल जनरल में, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? आप अपने बारे में कुछ बताएंगे इस वीडियो में, और जो बच्चे 2023 के लिए स्टडी का प्लान कर रहे हैं वो किस प्रकार से मतलब प्लान करें, क्योंकि आपने मैक्सिमम चीज़ें सेल्फ स्टडी से की थी, आपने मतलब कोचिंग वगैरह मतलब नहीं लिया था, और कुछ चीज़ें हो सकता हो पॉलिटेक्निक पाठशाला से पढ़े हों, अलग मैटर है। और जो भी चीज़ें पॉलिटेक्निक से बीटेक में जब आप गए हैं तो एक्सपीरियंस क्या है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या फील हो रही है, पढ़ाई में लेकर के, जॉब को लेकर के, और ओवरऑल जो हम लोग डिप्लोमा से बीटेक में जाते हैं, बीटेक में एक्सप्लोर करने के चांसेस जो है डिप्लोमा की तुलना में ज्यादा रहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपने पॉलिटेक्निक कहाँ से या किस ब्रांच से किया है, आप बीटेक कहाँ से कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सबसे पहले नमस्ते सर आपको। जी जी और नमस्कार। सर मैंने अपना डिप्लोमा जो है प्रयागराज से IERT से किया है, सिविल ब्रांच से। तो जी जी वहाँ पर 3 साल मेरा डिप्लोमा होने के बाद, मतलब थर्ड जी ईयर में ही जब मैं था, जी फिफ्थ जी सेमेस्टर में, उसी टाइम पे LNT लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, वहाँ पर मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। जी जी फिर मैं वहाँ से कंपनी में ज्वाइन किया भी, फिर जी वहाँ जी कंपनी में 4 से 5 महीने काम किया, जी लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एक्सपीरियंस मतलब कि वर्कलोड वहाँ पे, हाँ वर्कलोड वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, और साइट पे मतलब काफी देर तक रुकना पड़ जाता है, धूप में भी काम करवाना रहता है, थोड़ा सा टफ जॉब यस है, मैं सर, समझ सकता यस हूँ। सर, क्योंकि मेरा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में SA-13 था, मेरा जो साइट था, तो वहाँ पर 12-13 घंटे टोटल वर्कलोड रहता था, तो फिर मेरा मन नहीं लगा। फिर इसी टाइम पे मैंने बीटेक भी सोचा कि अब बीटेक करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर तो वहां पर मैंने देखा कि जो ऐसे बीटेक जो किए हुए स्टूडेंट थे आए थे, या एमटेक करके जो आए थे, उनका प्रोग्रेस काफी अच्छा था इन कंपैरिजन टू डिप्लोमा स्टूडेंट। तो इसलिए और भी मन हुआ कि बीटेक करना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक वहीं पर ही बुक वुक प्रीफर कर लिया था, खरीद लिया था, लेकिन हुआ क्या कि मैं मार्च तक में जैसे 11th का मैथ पढ़ लिया और फिर इलेक्ट्रिकल से थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली, लेकिन फिर बाद में मतलब आप लोगों के थ्रू पता चला कि सिलेबस ही चेंज हो गया है। तो फिर उसके बाद टाइम बहुत कम था, और उसके बाद जो एक सब्जेक्ट सबसे टेंशन जो सब्जेक्ट की थी वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को 10 से 15 दिन अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग सबसे बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ना तो कुछ चीजें समझ आ रही थी ना तो मटेरियल मिल रहे थे। तो फिर मेरे साथ का ही वो मेरा एक दोस्त था, आपसे वो उसने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वो लिया था पीडीएफ, हाँ पूरा सिलेबस खरीदा था, तो उसने ही मुझे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और जो सब्जेक्टिव उसका पीडीएफ था, तो उसने मुझे शेयर किया, तो फिर वो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था और उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे। बस ये देखना था कि बशर्ते इसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए इसमें से इतने में आ जाए, ऐसा ना हो कि इससे बाहर चले जाए। तो उसमें भी मतलब आया था कि लेकिन बाहर से आया था कुछ। पूरा लगभग 50-50 क्वेश्चन में से लगभग 47-48 क्वेश्चन वही थे, जबकि करने थे सिर्फ 40। तो मैंने तो 40 किया था, उसमें कुछ गलत भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरा मतलब 178 नंबर था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 200 में। ओनली पीडीएफ पढ़ करके, मतलब बिना वीडियो देखे ओनली पीडीएफ और एमसीपी से उतना बहुत बड़ी बात होती हाँ है। सर, वही पीडीएफ को लगभग 4 से 5 बार मैंने बार बार देख पढ़ा मैं ये था बच्चों उसको से ऑब्जेक्टिव करता भी हूँ क्वेश्चन। कि इतना कम सिलेबस है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, अगर जो समझ में नहीं रट ही लीजिए, क्योंकि बाद में तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, एग्जाम निकालना है, तो रट भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही, और जैसे आप पहले जब वीडियो बनाते थे एग्जाम के पहले तो आप बताते थे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक काफी आगे ले जाएगा, तो और मैं मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उसका से। जो जो मेन प्रोजेक्शन वाला चैप्टर था मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, वही हाँ समझने सर, वाला वो बेसिकली वही था। हाँ यूट्यूब से मैंने वो पढ़ा था आपका ही, तो तो अच्छा गया मतलब। और बाकी जनरल जो मेरा जनरल का जनरल टेस्ट का जो सिलेबस था उसको मैंने दृष्टि आईएएस ने यूटी का ही एकदम लो लेवल का ही,
वो ये बुक निकाला था, तो उससे मैंने 8th 10th लेवल तक का ही था, उसको मैंने एक बार पढ़ा था क्योंकि बेसिक थोड़ा तैयार था। उसमें जीएस का था कि रीजनिंग मैथ भी था? नहीं, जीएस का था, अच्छा जीएस का, वो रीजनिंग भी एनसीईआरटी था, बेस जीएस पे। भी था। अच्छा हाँ सर, एनसीईआरटी बेस पे, कक्षा 8 तक का निकले नहीं स्पेशल होंगे। सीयूटी के लिए ही उन्होंने निकाला था। अच्छा सीयूटी का हाँ स्पेशल दृष्टि का निकला हुआ था, हाँ जो काफी हाँ अच्छी बात है। मतलब बच्चों को बता भी नहीं, क्योंकि काफी रिप्यूटेडेड कोचिंग है वो। मतलब उसका मटेरियल मतलब कई हाँ सारे टीचर की टीम मिलकर तैयार करती है, किसी इंडिविजुअल मतलब मान के लिए वो उसमें जो भी मटेरियल है वो कई सारे टीचरों का, जो टॉप लेवल की फैकल्टी उसका निचोड़ उसमें होगा, मुझे जहां तक ये लगता है उस। हाँ सर, और मतलब बहुत टफ भी नहीं था, एक लो लेवल का था। पहले तो मुझे ये लगा कि जैसे इतना आसान है तो, लेकिन एग्जाम पता नहीं इससे टफ आएगा दिक्कत, लेकिन एग्जाम में भी उसी लेवल का सारी चीजें थी। और मैथ ओके के लिए मैंने वो एनसीईआरटी 12th का बुक प्रिफर किया था, जी। और सबसे उसमें मुझे मैथ्स में टाइम बहुत ज्यादा लगता था, तो आपके उसमें मतलब वीडियो जब आप यूट्यूब पे डालते थे तो मैं देखता था कि जो बुक ऐप करके आप बताए थे टेक्स्ट बुक से ही, मैंने वो टेस्ट बहुत सारे दिए, उसका खरीद लिया था मैंने, तो उससे मेरा जो मैथ्स में जो टाइम लगता था ना वो थोड़ा सा कम होने लगा, तब मैं 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन तक पहुंच पाता। जैसे बहुत सारे बच्चे ये परेशान आते हैं, सर बुक कौन सा खरीदे? हम कह यार बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आप बुक खरीदेंगे मैथ का अलग खरीदेंगे, जनरल टेस्ट का अलग खरीदेंगे, रीजनिंग का अलग खरीदेंगे, उससे अच्छा है 3 बुक खरीदने से आप टेस्ट बुक का टेस्ट बाय कर लीजिए। हाँ कम सर, कम कम पैसे में ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी, और टेस्ट देने से एक आइडिया लगता है कि आपका रैंक वगैरह क्या बन रहा है, तो उससे हाँ और थोड़ा सर, सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है टेस्ट देने। तो यस बुक से सर। जो और कोश है बुक की तुलना और मुझे बेटर क्वेश्चन लगता है जैसे, जहाँ तक। यस सर, यस सर। और जी क्वेश्चन जैसे एक होता है ना कि इतने घंटे में आपको करना होता है क्वेश्चन, 8 मिनट जी में, जी तो जी एक प्रैक्टिस बनी रहती है कि 60 मिनट में हम कैसे जी 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जी स्पीड बन जाती है, जी तो आपका तो सीयूटी उससे में बहुत स्कोर कितना था ओवरऑल, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के कितना मार्क्स था आपका? 601 समथिंग था सर। अच्छा, और रैंक 4th थी शायद, हाँ सर, ऑल इंडिया रैंक 4 थी। 4th थी। यस तो सर, आपका तो एसबीटीयू में भी हुआ था, मैंने देखा था जो रिजल्ट आया था, शायद आपने फॉर्म भरा था फिर। नहीं सर, मतलब एसबीटीयू में एक मेन रीजन था वो फीस का, एक थोड़ा हाँ फीस का है, सा फीस का ही फीस क्योंकि उसका है। फीस आप ज्यादा है। हाँ, तो आपने वो बताया भी था वीडियो में कि 1,35,000 रुपये सिर्फ फीस फीस हाँ फीस है, हाँ, प्लस उसके बाद हॉस्टल फिर का अलग, हॉस्टल तो वगैरह भी वहाँ का महंगा है, मतलब हाँ, सारी चीजें वहाँ का, तो मतलब 1 साल का ओवरऑल 2 लाख के आसपास समथिंग हो जाता है यस सर। और प्लस फीस मुझे हॉस्टल। मेन मेरा एम था कि लखनऊ में रहने, मुझे गेट का कोचिंग करना था गवर्नमेंट जी के लिए, जी मुझे नहीं, प्रिफर अगर हाँ अगर आप करना था, गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो लखनऊ जो है बेस्ट है। तो इसलिए मैंने IIT चूज किया सर। जी, अच्छी बात है कि आपने सिविल से डिप्लोमा किया, सिविल से बीटेक कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो ब्रांच स्विच करते हैं उनका ये है कि मान लीजिए सीए से बीटेक कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो 3 साल का डिप्लोमा वाला है वो समझ लीजिए उन्होंने डिप्लोमा किया ही नहीं, उनको उसका कुछ एडवांटेज मिलने वाला नहीं है, यस सर, वो जैसे 3 साल की पढ़ाई बीटेक के उनकी जो दौरान है। सेम ब्रांच रहने पर, जैसे एग्जाम देने का, जैसे JEE का एग्जाम अभी आया था, तो SSC नहीं, JEE आप में अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे बैचमेट्स कई सारे जेई हैं, मतलब कुछ एई भी हैं, और जो है बहुत सारे ऐसे थे कि बीटेक करने के दौरान ही उनकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, उन्होंने बीटेक स्विच करके जॉब भी उनके लिए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनका बीटेक कंप्लीट होने के बाद लगा, मतलब जॉब लगा, हाँ कुछ सर, एई पोस्ट पे भी हैं, कुछ जेई पोस्ट पे भी हैं। तो ओवरऑल मैंने देखा है खासकर सिविल ब्रांच के लगभग मुझे लगता है 90% से ज्यादा बच्चे जो डिप्लोमा करके, जो सिविल से डिप्लोमा किए हैं और सिविल से बीटेक कर रहे हैं, 90% से ज्यादा बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं। 50% तो यस सर, बीटेक करने के दौरान ही सेलेक्ट हो जाते हैं, और बाकी जो यस बचे सर, खुचे रहते हैं वो बीटेक मतलब बीटेक करते ही मतलब 1 आध साल जो भी लगे टाइम लगे, मतलब मुझे लगता है कि लगभग लगभग 90% से वह रिजल्ट जाता है जो डिप्लोमा प्लस बीटेक में गवर्नमेंट जॉब के मामले में, जो सिविल से डिप्लोमा और सिविल से बीटेक। ये तो है, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं करीब मान के लिए मेरे दोस्तों में करीब करीब 50 लोग से ज्यादा होंगे जो जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जी यस सर, विभिन्न जगह पे भी। मैकेनिकल में सौरभ सरी पढ़ा रहे थे यहाँ पे जो है, उनका भी सिलेक्शन हो हाँ गया सर, वो डीआरडीओ मैथ में। मैथ जो पढ़ा रहे थे, हाँ मैथ्स पढ़ा रहे थे जी। और कुछ तो भी सर स्टूडेंट्स का और हुआ है, जैसे सौरभ सर मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं डिप्लोमा में जितने अच्छा सर, तो और भी उनके भी स्टूडेंट्स का हुआ है इसी में, मतलब सौरभ सर के भी एक स्टूडेंट रहे हैं, हमारे भी स्टूडेंट रहे हैं, उनका भी हुआ है मतलब डीआरडीओ में। यस सर, तो
मतलब जो बच्चे अभी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मुझे नहीं लगता है कि जिसका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है बहुत ज़्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो अपनी पढ़ाई के दौरान, मुझे लगता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 25 से 30 घंटे में बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, ओवरऑल पूरा सिलेबस अच्छे से। और यस बाकी जो सर, है जीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने बताया दृष्टि की बुक हो गई, कोई बुक पतली सी पढ़ लें। हमने मनोहर पांडे की बुक सजेस्ट किया था, जैसे कल एक हाँ बच्चे का मनोहर इंटरव्यू पांडे, हुआ, अनुपम नैन का इंटरव्यू हुआ था, तो उसने बताया था कि सर आपने बताया था मनोहर पांडे वाली बुक, मैंने उससे पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है ना कि बहुत मोटी बुक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि यस सर, आप पूरा कितना भी पढ़ लीजिए 100% नहीं कर पाएंगे, इतना वाइड सिलेबस है। तो आप वही मान यस लीजिए सर, अगर यस 15-16 क्वेश्चन आते हैं, इतना पढ़ लीजिए कि अगर 8-10 क्वेश्चन अगर आपके हो जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है जी। क्यों, बाकी आप रीजनिंग और मैथ से जो कर कर सकते हैं वो भी हाँ लेवल का सर, अच्छा 8 तक का ही रहता है, 8th ग्रेड का ही रहता है, तो उसमें लगभग लगभग हाँ जो सर, यस सर, अच्छा है उसका 100% मुझे लगता हो सकता है मैथ रीजनिंग में। यस तो यस जो सर, बच्चे, अच्छा जब आप वहाँ पे बीटेक कर रहे हैं, इसके पहले डिप्लोमा कर रहे थे, मतलब चूंकि आप तो बीटेक जो है IRT से किए हैं, अभी हम लोग यस सर, जब इलाहाबाद में थे कोचिंग कर रहे थे, कृष्णानी सर मैकेनिकल का पढ़ाते थे पहले, वहाँ पे IRT के ही टीचर हैं, तो वो बताते थे कि मतलब जब हम जैब ज्वाइन, जब वो पढ़ते थे 1990 के दशक में, 1985 के आसपास, तो वहाँ पे बताते थे कि 1985 में डिप्लोमा में लैब टेक्नीशियन में 32 लोग ऐसे थे जो एमटेक थे। अब सोच सकते हैं मतलब क्वालिफिकेशन का लेवल क्या रहा होगा उस समय, जो है IRT अब थोड़ा सा वो हो गया, पहले वहाँ पे हाँ सर, रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं रहता था एकदम, तो तब वो लेवल इतना वो था कि बीटेक से भी वो अच्छा माना जाता था, इतना ज़्यादा वो स्कोप था मतलब हाँ उसका। सर, ये तो है, हाँ हाँ अभी भी मैं देख रहा हूँ प्लेसमेंट अगर IRT का, तो सेम कंपनी अगर IRT में जाती है और किसी और पॉलिटेक्निक में जाती है तो सैलरी IRT में 25,000 देती है और कॉलेज में 12,000 देती है, 15,000 देती है, मतलब सेम कंपनी सेम पोस्ट के लिए, लेकिन सैलरी यस में बहुत सर, ज़्यादा डिफरेंस रहता है अभी भी मैं देख रहा हूँ। क्योंकि और कंपनी भी सर IRT में ज्यादा मतलब आती हाँ है कंपनी में जैसे, मैक्सिमम प्लेसमेंट हो जाता है, डिप्लोमा लेवल मैक्सिमम प्लेसमेंट हो जाता है। यस सर, तो पढ़ाई भी मतलब IRT में और IIT में जाने पे मतलब कुछ चीज़ें तो नई देखने को मिल रही होंगी, और या कुछ नए नए आइडियाज आते होंगे और कुछ एक्सप्लोर करने के और मतलब चीज़ें देखने को मिलती होंगी। यस सर, जैसे बीटेक में क्या है ना कि एक पूरा एक वाइड रेंज है, एक प्रकार कह जी सकते हैं कि जी मतलब जी जी हर चीजें सिखाई जाती है यहाँ पर। जो सिलेबस भी जी है उसमें जी कंप्यूटर भी है, ड्राइंग जी की चीजें तो रहेंगी क्योंकि मेरा जी कोर जी ड्राइंग में आ जाता है। तो जी 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 मतलब मेन कोर सब्जेक्ट के अलावा और बहुत सारी चीजें जो कि किसी एक कंपनी में जाए कैंपस होने पर वहां पर मुझे काम आएगा, जी जी वो सारे सब्जेक्ट इसमें रहे। जैसे जी कंप्यूटर जी साइबर जी सिक्योरिटी हुआ, जी जी और जैसे पाइथन हुआ, पाइथन जी प्रोग्रामिंग जी हुआ, जी सी लैंग्वेज हुए, इस जी टाइप के जी बहुत सारे। जी और यहाँ पर एक चीज और है कि सेमिनार बहुत ज्यादा लगते हैं, टाइम टू जी टाइम सेमिनार जी काफी लगते हैं ताकि लोग अवेयर रहे कि हाँ ये कंपनियां कब निकालते हैं वैकेंसी, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जी जी और सिलेबस भी थोड़ा ब्रॉड है, काफी ब्रॉड जी है डिप्लोमा के जी अपेक्षा। जी यस सर, और थोड़ा सा जैसे जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं और बहुत सारे तो अब तो गेट वगैरह के बारे में सुन भी लेते थे, पहले के समय पे तो गेट और ये इसके बारे में सुनते भी नहीं थे। जैसे वहाँ पे IIT से मैं देखा हूँ ना रिजल्ट गेट का काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब वहाँ पे हाँ मतलब सर, जो बच्चे बीटेक करने के दौरान बहुत सारे ऐसे होते हैं टॉप 100 रैंक के अंदर, जो है मैं देखा हूँ कुछ ब्रांच में फर्स्ट रैंक भी IIT का आया हुआ है, 20 रैंक हाँ टेन सर, रैंक आया मतलब सर, ऐसे आते रहते हैं। यस सर, तो मेरा एक छोटा भाई माहौल भी, है। मेरा छोटा भाई भी वहीं से सिविल से जो है बीटेक किया हुआ है पॉलिटेक्निक करने के बाद, मतलब लेटरल अच्छा से, तो सर, मैं हाँ तो मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, हॉस्टल वगैरह भी विजिट किया हूँ, रुका भी हूँ थोड़ा सा यस सर, IIT, मतलब हॉस्टल वगैरह में खाना भी काफ़ी अच्छा मिलता है IIT मतलब यस और कॉलेजों की तुलना में, और कॉलेजों की तुलना में जो है खाना वगैरह जो यस, है मैं खुद हाँ एक्सपीरियंस किया हूँ, मतलब एक होता सुना सुना है, एक होता अपना खुद का एक्सपीरियंस, यस सर, तो अच्छा ओवरऑल है, एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छा होगा। और मतलब शहर का भी थोड़ा सा माहौल मतलब मिलता है कि जैसे कोचिंग ही भी मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि जैसे आप अभी 3rd सेमेस्टर में गए हैं, 4th सेमेस्टर से कोचिंग वगैरह गेट की स्टार्ट हो जाती है, जनवरी से नया बैच स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो हाँ है सर, गेट में लग जाते हैं, फिर आपका मान के लिए यस फिर सर, दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा 3rd ईयर तक, तो आपके पास पूरा 1 साल का समय मिल जाता है प्रिपरेशन वगैरह करने की, मतलब क्योंकि पढ़ने के दौरान जब आप कोचिंग करते हैं गेट या IAS की, साथ साथ सेमेस्टर भी चलता रहता है ना, केवल आप पढ़ पाते हैं, रिवीजन कुछ भी नहीं हो पाता उस दौरान,
हाँ सर ये तो है। क्योंकि क्योंकि स्कूल भी आपको देखना है, कॉलेज भी यस देखना है, आपको सेमेस्टर एग्जाम भी देने हैं, उसी में आपको कोचिंग भी एडजस्ट करना है, तो इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है ना, उस समय केवल कोचिंग अटेम्प्ट हो जाए, पूरा का पूरा क्लास हो जाए, पूरा नोट्स बन जाए, वही बहुत ज्यादा रहता है, रिवीजन वगैरह का यस समय नहीं मिल पाता। तो वही बच्चे जो 1 साल का जब समय मिलता है तो उसमें मतलब अच्छे से रिवाइज करते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, फिर जो है अच्छा रैंक भी लाते हैं, ये तो है, वहाँ पर मानना पड़ेगा यस सर जी। यस तो सर जो बच्चे अभी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं अभी, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? जैसे बहुत ज्यादा अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर, मतलब अभी जो मतलब अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी उनके लिए मान लेते थोड़ा समय कम है, वो बंधे हुए हैं क्योंकि उनको सेमेस्टर भी देना है, अभी 6 सेमेस्टर से प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उनको समय थोड़ा कम मिल पाएगा। लेकिन बहुत सारे यस ऐसे जो ड्रॉप आउट हैं, मतलब पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, मतलब अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ लीड की तैयारी करना चाहते हैं, या यस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओनली मतलब पूरा फुल टाइम लीड मतलब तैयारी करना चाहते, तो वो भी सोच मतलब कहते हैं सर अभी समय है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत लेट हो गया ये वो, मतलब कितना आप, मुझे लगता है कि नहीं लीड की तैयारी करने के लिए जनरल जनरल टेस्ट में अगर रीजनिंग में 25-30 घंटे दे दिया जाए, 25-30 घंटे मैथ में भी हो जाएगा कवर, और 25-30 घंटे जो है मतलब जनरल टेस्ट ओवरऑल 100 घंटे का मैक्सिमम मैं मानता हूँ अच्छे से कवर हो जाएगा, और इंजीनियरिंग यस सर ग्राफिक्स 25 से 30 घंटे, और मैथ तो भाई प्रैक्टिस की चीज है, मतलब उसमें मतलब किसको कितना आता है पहले से, बेसिक बहुत ज्यादा मायने रखता है हाँ आपका बेसिक कैसा, यस अगर सर आपको कुछ नहीं आता अब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अगर आपका पहले से यस अच्छा सर ये तो है, है। जिसका मैथ पहले से अच्छा रहा तो उसको भूख भी रहती है ना, कि मैथ लगा रहे हैं तो समय का पता नहीं चलता, 3-4 घंटे कब निकल जाता हाँ पता नहीं चलता है, यस तो सर ओवरऑल आपके हिसाब से मतलब समय अभी सफिशियंट है कि नहीं, मतलब जैसे अभी एग्जाम का डेट भी आ गया है कि 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच में सीयूटी का पेपर होना है, एनटीए करीब दिसंबर में मुझे लगता है नोटिफिकेशन दे दिया था, अभी फॉर्म भी आने वाला है इसी महीने, अभी आया नहीं है, लेकिन यही था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, खैर फर्स्ट वीक तो भी बीत ही रहा है, सेकंड वीक स्टार्ट होने वाला है, तो फॉर्म तो मुझे लगता है फरवरी में कभी भी आ जाएगा, और यस एग्जाम का सर डेट पहले ही डिसाइड ही होगा। तो आपके हिसाब से मतलब किस प्रकार से बच्चे तैयारी करें इतने कम समय में कि उनका अच्छा रैंक आ जाए? सर जैसे अगर ड्रॉप आउट वाले जो हैं जी तो उनको तो जैसे मैं जो सजेस्ट करूंगा कि जैसे वो जो जनरल टेस्ट के लिए पढ़ेंगे जी तो वो सिर्फ सीयूटी, ऐसा ना सोचे कि मुझे सीयूटी बस में अच्छा करना है उसके बाद इसका जी कोई जी काम नहीं रहेगा। जी जी तो जब एक बार पढ़ ही रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो जी डिप्लोमा से आ रहे हैं तो डिप्लोमा से जब बीटेक में आएंगे तो जो जेई के एग्जाम होंगे उनमें भी जी उनको उसका यूज आएगा, काफी जी काम जी आ जाएगा। नहीं और जैसे इसीलिए ना जो जो बच्चे खास करके मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से बीटेक करना चाहते हैं और सेम ब्रांच से डिप्लोमा भी किए हैं, उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मतलब जो भी चीज़ें आप जैसे रीजनिंग हो गया या अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो गया, जीके जीएस हो गया, अभी आप डिप्लो अभी यही समय 6 महीने का समय इसी में पढ़ लिए तो पढ़ लिए, यस क्योंकि जब सर आप बीटेक करने लगेंगे उस दौरान वैकेंसी आएगी तो केवल आप टेक्निकल पढ़ पाएंगे, नॉन टेक पढ़ने का आपको यस समय सर नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें अगर यस अभी से आप मतलब मैं इतना जीके की क्लास भी चलवा रहा हूँ यूट्यूब पे, वैसे चल रहा हूँ लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ओवरऑल वो जो है एसएससी सीजी मतलब लेवल वो है कि एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम को वो कवर करें, मतलब उसके भी मतलब लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन उसमें मैच कर जाए, मतलब यही टारगेट है कि मतलब लीड तो टारगेट है ही, मतलब मेन टारगेट यस ये सर है, जेई भी टारगेट है कि अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करते हैं फिर बाद में जेई वगैरह का एग्जाम हो तो जीके में आपको दिक्कत नहीं होने पाए, तो मुझे भी लगता है कि यही कि डिप्लोमा केवल न सोच करके लीड का केवल न सोच करके अगर 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 यस सर आगे का फ्यूचर का सोच करके पढ़ते हैं तो, और प्लेसमेंट वगैरह में भी एप्टीट्यूड वगैरह आता रहता है, मुझे लगता है प्लेसमेंट में यस भी एप्टीट्यूड सर होता ही होगा। यस सर तो उसमें जैसे जनरल में एक काम आएगा, रीजनिंग भी आएगी आगे जेई में। और हाँ सर, बस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐसा चीज है कि हो सकता है आगे हेल्प करेगी, ड्राइंग में हेल्प करेगी, लेकिन जैसे मैथ्स भी काम देगा आगे, यहाँ पे सेमेस्टर में इंटर का अगर मैथ आ रहा है जिससे काफी हेल्प मिलेगी। जैसे मुझे तो काफी हेल्प मिला, मेरे मतलब जीएस तैयार किया था उसी टाइम पे और फिर रीजनिंग भी पढ़ा था। जैसे प्री में मेरा एसएससी में मतलब हुआ है 26 को मेंस है, तो अच्छा, और आप वही वही उस और अच्छा आप ही से कल बात हुई थी क्या? आप बोल रहे थे कि मेरा मेंस है, व्हाट्सएप पे नहीं और किसी बच्चे को से नहीं बात नहीं हुई थी तो वो भी बोल रहा था सर मेरा मेंस है, 26 को बता अभी रहा था ऐसे कुछ। नहीं, मेरा 26 को है अभी आया नहीं, तो 26 को डेट है, एग्जाम डेट आ गया है तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिफाइंग से 10-12 नंबर ज्यादा आ गया है।
नहीं तो उतना तो बहुत है, उतना सफिशियंट। अगर मीन्स आप इतना ज्यादा सीट है इस बार सिविल में ना, कि अगर आप थोड़ा सा भी हाँ कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इधर यूपी ट्रिपल एससी 2016 और 18 का एग्जाम हुआ है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होकर के ज्वाइन कर लेंगे, तो हो सकता हो कि एसएससी में सीटें खाली जाए, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता हो कि आपका जॉब भी हो जाए बीटेक करने के दौरान ही, थर्ड ईयर में जाते जाते हो जाए, मतलब ये सेकंड ईयर पूरा हो जैसे ये, सकता है। हाँ जैसे सर, जैसे मैं सोच रहा था कि जैसे जब फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर क्रॉस कर जाए तब चीजें हो, तो क्या होगा, जी मेरा बीटेक भी चल जाएगा, ऐसा नहीं बीच जी मुझे छोड़ना पड़े, क्योंकि रिलैक्सेशन जी भी यहाँ जल्दी देते नहीं, 6 महीने या मैक्सिमम अधिक से अधिक 1 साल, इससे ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं कि तुम जी पहले 1 साल पढ़ाई कर लो फिर ज्वाइन करना। जी तो जैसे इस बार जो एग्जाम होगा नवंबर में, तो मैं उसमें सोचा था, लेकिन इसमें निकल गया है तो मेंस दूंगा, इतने अच्छे जी तैयारी नहीं है लेकिन मेंस दूंगा। जी और सर जैसे जो इसमें थर्ड ईयर में डिप्लोमा में है, तो उनके लिए अगर कम टाइम है उनके पास, तो फिर ये अभी के लिए, क्योंकि ये लीट एग्जाम जरूरी है, क्योंकि दोबारा एग्जाम होगा नहीं, जे तो आगे भी आएंगे और भी चीजें आएंगी, तो इसलिए अगर उनको पास इतना पर्याप्त टाइम नहीं है, तो उनको तो सिर्फ जो अभी लीट का सिलेबस है, जिसमें मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा जीएस में ज्यादा, बाकी अगर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ले लेंगे तो फिर काम हो जाएगा, क्लियर हो क्योंकि ये जाएगा। ग्राफिक्स और कहीं मिलेगा भी नहीं। मैंने बहुत खोजा है, दो तीन बुक भी डाउनलोड किया, 1-1 हजार पेज की मैकेनिकल रिलेटेड चीजें बुक थी, कहीं मिला नहीं मुझे। अंत में आपका पीडीएफ ही सहारा बना, तो अगर पीडीएफ आपका रहेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए खास तौर से, बाकी और सब्जेक्ट में जो हेल्प लेना चाहेंगे तो अच्छा हो, अच्छा कर सकते हैं डिप्लोमा वाले भी जो भी थर्ड ईयर में। यस सर, चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत कुछ जो बच्चे भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनको भी कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी, कि कहाँ से टेस्ट दे, कहाँ से मतलब जीके कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, मैथ कहाँ से पढ़े, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स किस प्रकार से पढ़े। और भी अगर इन फ्यूचर मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि मतलब ये चीज़ें मतलब जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं या जो पॉलिटेक्निक अभी कर रहे हैं उनको जाननी ज़रूरी है, तो ज़रूर एक बार हमसे सजेस्ट करिएगा। हम लोग एक बार फिर बाद में और लीड के अलावा भी और यस इंटरव्यूज करेंगे, कि जिससे जो आने वाले आपके जूनियर्स वगैरह उनको काफ़ी जो है बेनिफिट जो है मिल सके। धन्यवाद। सर, सर एक हाँ चीज, बताइए बताइए। हाँ बताइए। एक चीज मैं कहना चाहता था, जैसे टेक्स्ट बुक में जैसे जो लोग प्रीफर करेंगे उसे जी जब जी एग्जाम देंगे मैथ का खास तौर से, जी जी तो उसमें जो मैथ्स का जैसे है, तो बीएससी वाले जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं सीयूटी का, बीएससी के लिए जी जी वो भी जी उसमें जी जी रहते हैं और भी जी लड़के जी उसमें रहते हैं, तो जी हो जी सकता है उनका रैंक जैसे 100, 200 या 50, 60 ऐसा बने, मेरा भी ऐसा ही बन रहा था, लेकिन क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ लीट वाले स्टूडेंट से है हमारा कंपटीशन, इसलिए वहां पर जो मेरा रैंक जितना आ रहा उससे कम ही रैंक आएगा, मतलब उससे और अच्छा रैंक ही हमारा आएगा। हाँ लीट में अच्छा आएगा, क्योंकि जो बच्चे BSC का एग्जाम देंगे सेम पेपर होना है, वो भी वहाँ से टेस्ट बुक से टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे हाँ होगा क्या, उनकी संख्या भी ज़्यादा है ना, लीट हाँ वही वाले बात, बच्चे तो बहुत कम है, लेकिन BSC का हाँ सर, एंट्रेंस देने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है, मतलब लाखों में है, और यहाँ पे हाँ सर, 8-10 हज़ार बच्चे होंगे लीट के लिए, तो वहाँ पे तो हाँ रैंक आपका ज़्यादा बनेगा, तो उससे होपलेस नहीं होना घबराना है। नहीं है, हाँ हाँ मैथ सर में अगर वही, आपका 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहा है, तो समझ लीजिए मतलब 20+ हो जा रहा हाँ तो सर, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत सर, अच्छा है। अगर आपका 15 भी हो जा रहा है तब भी मतलब डरने वाली बात नहीं है, आप जो हाँ है सर, और सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से और इससे कर लेंगे, भले ही आपको टॉप नहीं करेंगे, लेकिन आपका इतना रैंक आ जाएगा कि आपको IIT, IIIM, HBTU जैसे कॉलेज मिल सकते हैं, मतलब टॉप हाँ सर, हंड्रेड मतलब रैंक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग हाँ सर, ग्राफिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपका 180 नंबर लाना बहुत आसान है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, हाँ सर, और जनरल टेस्ट में भी 250 नंबर, बहुत ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा 250 नंबर के लिए, यस सर, तो यहाँ से 430 नंबर तो आपसे यहाँ से बन रहे हैं, बस 500 क्रॉस कर लेंगे तो आपका 100 रैंक के अंदर आ जाना है, तो यस सत्तर चौदह सर, क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो गया तो आपका आराम से 500 मतलब हो यस जाएगा। सर, बहुत, क्योंकि और बहुत सारे बच्चे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 194 नंबर लाए हैं, मतलब हाईएस्ट 194 ही था, करीब 5-6 बच्चे 194 गए थे, तो यस सर, 190, 188 मतलब 150 के ऊपर मैक्सिमम थे जो पढ़े हुए थे, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के वन यस सर, फिफ्टी से मैक्सिमम थे। तो क्योंकि मेरे साथ ही ये चीजें, मुझे मेरा भी रैंक इतना अच्छा नहीं रहा था, 50, 60, 100 तक जा रहा था, मैं भी इससे डर रहा था, लेकिन फिर रिजल्ट आया तो मैं तब जाके समझा कि नहीं, इसमें बीएससी वाले भी थे, क्योंकि उनका मैथ्स ही बहुत ज्यादा होता है, उनकी संख्या भी ज्यादा है, तो हाँ इसलिए वो जी ज्यादा अच्छे रैंक ला रहे थे, हम जी पीछे हो जा रहे थे, लेकिन लीड के एग्जाम में
जरूर अच्छा करेंगे। जी, यस सर, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी यस इंटरव्यू सर, को यहीं पे बहुत लंबा भी खींचने पे थोड़ा सा हो जाएगा, फिर कभी किसी यस और टॉपिक पे हम लोग जरूर मिलेंगे। यस सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।